अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। जैसा कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सीज़न में, तो वो मैं आपके सामने लेके बैठा हूँ कि कोई भी ब्रीडर हो, कोई भी प्रोफेशनल ब्रीडर हो, तो उसके शेड में ये चीज़ें होनी लाजमी हैं। उससे क्या फ़ायदे होंगे आपको और कौन सी कॉम्प्लिकेशन वगैरह आती हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टैग्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताए थे, आपके बर्ड के शेड में टैग्स होने चाहिए। टैग मतलब नंबरिंग होनी चाहिए बॉक्सेस के ऊपर, मतलब केजेस बॉक्सेस पे लगाना चाहते हैं, केजेस पे लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर नंबरिंग होगी तो आपको आसानी होगी कि डाटा मेंटेन करने में और बहुत चीज़ों में आपको आसानी पैदा होगी। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने अपना शेड को क्लीन किया था, ये बायोकिल है, ये एंटीसेप्टिक है, ये बना ही स्पेशली बर्ड्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर जो बैक्टीरिया जर्म्स किसी किस्म की भी होती है, तो आप जब भी नया बर्ड लेके आएंगे तो आपने एंटीसेप्टिक से अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में देखी होगी, मैंने पूरे शेड को क्लीन किया था, पॉट्स, केजेस, बर्ड्स, हर चीज़ को मैंने बायोकिल एंटीसेप्टिक से अपने साफ किया था। और आप हफ्ते में एक दफ़ा कम अज़ कम लाजमी अपने शेड को वॉश करके तो इसको आप स्प्रे किया करें, इससे आपके इंशाल्लाह शेड के अंदर बीमारियाँ नहीं आएंगी। उसके बाद आ गया एप्पल सिडर विनेगर, ठीक है। इसका क्या रोल होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, बर्ड्स के मैदे का जो होता है, जो हज़म करने का निज़ाम होता है, उसको फास्ट करता है। बर्ड्स के मैदे पे चर्बी आ जाती है, बर्ड्स के जिस्म पे चर्बी आ जाती है, फैट्स आ जाते हैं, जैसा कि मादियों को एड बाइडिंग होने लग जाती है, क्यों, उनकी चर्बी होती है वेंट वाले एरिया में, बर्ड्स को कम फ्लाई मिलने की वजह से भी बर्ड के जिस्म के ऊपर चर्बी आ जाती है। तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है कि आप बर्ड्स को एप्पल विनेगर यूज़ कराएं। 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 ml आप यूज़ करवा सकते हैं 1 लीटर पानी में, या 1.5 ml यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करवाएं, आपके बर्ड्स को फैट्स वगैरह का जो इश्यू है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा ये लाजमी यूज़ करवाएं, सीज़न ऑन हो या सीज़न ऑफ हो। उससे यह होता है कि आपके बर्ड्स का मैदा सही रहेगा और बर्ड्स अच्छे तरीके से खाएँगे और बीमार नहीं होंगे, और अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से खिलाएँगे। उसके बाद मैंने आपको ये रिंग्स हैं, रिंग्स का लोग नहीं डालते, लाख लाख रुपए का बर्ड रख लेते हैं, 50-50 हज़ार रुपये का बर्ड रख लेते हैं, मगर एक 30 रुपए का बर्ड के पाँव में रिंग नहीं डालते। तो 30 रुपए का रिंग डालने से जितने फ़ायदे, किसी भी प्रोफेशनल ब्रीडर को आप लोग देखोगे तो उनके बर्ड्स के पाँव में रिंग्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने पेडिग्री मेंटेन करनी होती है, उनके ऊपर लिखा होता है, फॉर एग्जांपल एक टैग्स और रिंग्स। उससे क्या होता है, टैग से पता चलता है कौन सा केज है, कौन सा बॉक्स है, और रिंग डालने से ये पता चलता है कि आपका कौन से बॉक्स के बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर फॉर एग्जांपल केज नंबर 10 है, तो वो हम जब अपने पास डायरी में मेंटेन करेंगे डाटा के, केज नंबर 10 के अंदर पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्बाइनो हैं, और उनके बच्चों को जब हम ये रिंग्स डालेंगे और अपने पास हम जब नोट कर लेंगे, तो हमारे लिए कभी भी हमें चेक करने में आसानी होगी। जब भी हम बर्ड पकड़े चेक करेंगे उनके पाँव में रिंग, फॉर एग्जांपल रिंग नंबर 60 है, तो हमें पता चल जाएगा 60, हम अपनी जब डायरी में चेक करेंगे या हमने जहाँ भी नोट की है नोटबुक में चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये केज नंबर इसके बच्चे हैं, इसके पेरेंट्स ये हैं, इसके बहन भाई ये हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल ब्रीडर हैं वो हमेशा हमेशा अपना पेडिग्री मेंटेन रखते हैं, अपना डाटा मेंटेन रखते हैं, ये सारा कुछ मेंटेन रखने के लिए उनको रिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद वो टैग्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मोस्टली जो हमारे पास आजकल चल रहा होता है इन्फेक्शन, चल रहा है आँखों का इन्फेक्शन, उसके लिए मेथाक्लोर, ये 30 से 33 रुपीज़ का, आई थिंक है 33.19 33 रुपये का है ये। ये आँखों में आपने डालना होता है, एक ड्रॉप आँखों में डालें आप बर्ड की, आँख में डालने के बाद 10 सेकंड तक आप पकड़ के रखें बर्ड को। उसके बाद आपने क्या करना है, बेटनिसोल एन आई ट्यूब, ये भी 30 रुपये तक की आई थिंक मिलती है, ये उसके ऊपर आपने लगा के आपने छोड़ देना बर्ड को। तो सुबह और शाम ये आप एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह तो ठीक होगा। उससे भी बेस्ट जो होता है वो मेथाक्लोर होता है, मेथाक्लोर ये है, मेथाक्लोर से बस बेस्ट होता है टोब्राटेक्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुरू के स्टेजेस के लिए होते हैं कि आप जब बर्ड हल्का सा भी आंखें बंद करना शुरू कर दे, आप उसको एकदम अलग करके एक दफ़ा ये डालेंगे, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बार डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद आता है कॉक्सी, कॉक्सी किस लिए होती है, जो आजकल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि बर्ड जो है एकदम मरना शुरू हो जाता है, जैसे मेरे पास भी वायरस है, वो कॉक्सी कैसे कहते हैं, रानी खेत की बीमारी जो आती है, रानी खेत की बीमारी के लिए ये कॉक्सी, आपने जब भी बर्ड लेके आना है आपने पहले वैक्सीनेशन भी करवानी है, उसके बाद आपने कॉक्सी,
कॉक्सी यूज़ कैसे करानी है, आप एक बर्ड के पॉट के अंदर 3 ड्रॉप एक दिन देने हैं, फिर दो दूसरे दिन आपने 3 ड्रॉप देने, फिर तीसरे दिन आपने 2 ड्रॉप देने हैं, 3 3 ड्रॉप 2 दिन, फिर तीसरे दिन आपने एक पॉट डी का जो पॉट होता है उसके अंदर 2 ड्रॉप डाल के देना। उससे ये होगा कि अगर उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, वायरस है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी किस्म का, क्योंकि आप बाहर से बर्ड लेके आते हैं तभी तो इन्फेक्शन आता है हमारे शेड में, तभी तो हमारे पास आता है। आप घर के अंदर कोई बर्ड है वो बिल्कुल ओके हैं तो उनमें बीमारी नहीं है। ये रानी खेत वगैरह की बीमारी वगैरह ये बर्ड से ही ट्रैवल होकर आती है, या जब हम किसी ऐसे शेड में जाएँ जहाँ पर बीमारी है वो हमारे कपड़ों के थ्रू ट्रांसफ़र होकर आ सकती है, ये भी रानी खेत की बीमारी। ऊपर से ये जो होती है आपकी F3ND, ये ND भी रानी खेत की बीमारी कहते हैं। इसको ये मुर्गी बनी हुई है, मुर्गे का निशान ये बना होता है, और ND ये भी आपको 100 रुपये की मिल जाएगी, तो इसका भी आपने इसी तरह इस्तेमाल करा सकते हैं। इसका आपने ये होम्योपैथिक, आई थिंक ये होम्योपैथिक वालों की ये दवाई है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये भी आप जो है 2 लीटर पानी के अंदर 2 ml 3 ml डाल के यूज़ करवा सकते हैं, 2 दिन का कोर्स करवा सकते हैं, 3 दिन का कोर्स करवा सकते हैं। जब भी नया बर्ड लेके आए, नए बर्ड को ला के सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि बर्ड को क्वारंटाइन करें, अलग रखें बर्ड शेड से, उसको 10 दिन वहाँ पे पहले वैक्सीनेशन करें, साफ एंटीसेप्टिक से साफ करें उसको, उसके केज को साफ करें, फिर उसको आप मोनिटाइज करें, देखें उसको कि बर्ड जो है एक्टिविटीज की चेक करें, बीमार तो नहीं लग रहा, मोशन तो नहीं कर रहा। जब आपको 10 दिन तक 15 दिन तक देखें उसमें कोई बीमारी आपको शो नहीं होती, फिर आप अपने इलाके शेड में ट्रांसफ़र करें। उसके अलावा डिवॉर्मिंग के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है, डिवॉर्मिंग के लिए मैंने आपको वीडियो भी पूरी बनाई थी, जेंटल मैंने बताया था, ये जेंटल जो है ये मेडिसिन है जेंटल, ठीक है। जेंटल ये भी 30 रुपये तक की मिलती है चीप प्राइस में, तो इसको आपने करना है 3 ml, ये जो इसके अंदर होता है 1 ml ही होता है आई थिंक, तो 3 लीटर पानी के अंदर आपने ये बोतल डालनी होती है, 3 लीटर पानी के अंदर ये एक बोतल आप डाल के अपने बर्ड्स को एक दफ़ा यूज़ कराना होता है, ये सीज़न शुरू होने से पहले और सीज़न शुरू होने के बाद भी डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो पेट में कीड़े वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ और बर्ड अच्छा खाना शुरू करें। डिवॉर्मिंग के लिए सिरका भी यूज़ होता है, डिवॉर्मिंग के लिए ये भी होता है, और डिवॉर्मिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था एंडेक्टो ड्रॉपर, ये एंडेक्टो होता है, इसकी गर्दन पर डालना होता है बर्ड्स की, नेक पर एक ड्रॉप डालना होता है बैक साइड पर, ठीक है। ये एक्सपेंसिव है, ये 2000 रुपये का है, ठीक है। तो ये अंदर जो बर्ड्स के ऊपर जुएँ वगैरह हों वो भी ख़त्म करता है, और उसके अंदर का भी जो इम्यून सिस्टम को होता है वो भी सही करता है, पेट में भी कीड़े उसको भी ख़त्म करता है। तो ये होगी डिवॉर्मिंग के लिए। ये कोलिसोल बहुत मेन मेडिसिन है, कोलिसोल, ठीक है। इसका क्या रोल होता है कि बर्ड वगैरह एकदम सीप में आ रहा होता है, बीमार हो रहा होता है, तो उसको हम यूज़ के डालते हैं, उसको आप डायरेक्ट उसके मुंह में भी आप 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, सुबह के टाइम डाल दें या रात के टाइम डाल दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बर्ड रिकवर कर जाता है। या पानी के पॉट में भी आप 3 4 ड्रॉप डाल के डी के पॉट में दे सकते हैं, बर्ड सीप में आ रहा है, बर्ड खा कम रहा है, कमज़ोर हो रहा है, सुस्त हो रहा है, उसके लिए कोलिसोल आपको मिल जाएगी, ये भी 100 रुपये की मिल जाती है। अब आते हैं असल चीज़ों की तरफ, कैल्शियम्स। कैल्शियम्स क्यों चाहिए होते हैं बर्ड्स को? एक बर्ड परिंदा है, वो जंगलों में बेसिकली ये बर्ड्स रहते हैं, वो वहाँ पे उसको जो नीड होती है, उसको कैल्शियम की नीड है, विटामिन्स की नीड है, प्रोटीन्स की नीड है, किसी किस्म की भी उसको नीड होती है, वो उसको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, वो अपने अकल और शऊर का इस्तेमाल करता है, वो वेजिटेबल्स प्रोटीन्स या पत्थर खा के, फल खा के, हर तरह से अपना आप में जो उसको जो नीड होती है कैल्शियम विटामिन्स प्रोटीन्स हर तरह की चीज़ें उसको वो वहाँ से अवेल कर लेता है। अब रहेगी बात, अब हमने बर्ड को कैद कर लिया पिंजरे में, अब वो पिंजरे में, अब फॉर एग्जांपल मेरा शेड इंडोर है, इंडोर में भाई धूप ही नहीं आ रही, धूप क्या होता है D3 उसके लिए चाहिए होती है, जो इंडोर सेटअप्स होते हैं उनको D3 देना बहुत ज़रूरी है। मल्टी विटामिन आप दे सकते हो, देना चाहिए विटामिन प्रोटीन सब कुछ देना, मगर D3 अगर आप नहीं दोगे तो आपके बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाएंगे और आप ब्रीडिंग में भी प्रोग्रेस नहीं आएगी, तो इनडोर सेटअप्स वालों के लिए D3 बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम, ठीक है, अब इसमें क्या है, C3 है, B6 है, C है, ठीक है, और D3 है, ये C1000+ 170 रुपये की ये साशे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को पता ही होता है ये हम इसमें यूज़ करते हैं, ये आपने 1 लीटर पानी के अंदर आप एक मिला के ये यूज़ करवा सकते हैं बर्ड्स को, ये चीप प्राइसेस के बता रहा हूँ आपको। अगर D3 आपको महंगा वाला चाहिए, D3 बहुत ज़रूरी है, इसमें कैल्शियम्स भी हैं, D3 भी है और B6 भी है, तो ये बर्ड्स को अगर आप चीप प्राइस के, आप मतलब आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स नहीं है और अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा बात आ जाती है माइलिक, मैंने अभी लिए कुछ एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं जैसे लव बर्ड्स के अंदर, तो बंदा उनके लिए जो है मैंने माइलिक लिया है, ये माइलिक भी है, उसमें इसमें क्या है विटामिन भी हैं और D3 भी है, ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, ये लूज में मैंने लिया है, माइलिक जो है ये मैंने लिया है
100 ml लिया है मैंने 600 का, ठीक है, 100 ml 600 का, क्योंकि इससे जो बड़ा पैक आता है वो होता है 8-10 हज़ार रुपये, इससे कम नहीं होता, तो इसलिए जो है लूज़ में मैंने ये लिया है, MD ट्रेडर वालों से लिया है, ठीक है, MD ट्रेडर वालों से भी आपको ये मिल जाएगा। आप लोग अगर अच्छे कैल्शियम और D3 यूज़ करवाना चाहते हैं, विटामिन यूज़ करवाना चाहते हैं, माइलिक भी यूज़ करवा सकते हैं, और उसके अलावा आप कैल्सिलेक्स भी यूज़ करवा सकते हैं, ये एक्सपेंसिव है, अगर आपके पास अच्छी म्यूटेशंस हैं तो उसमें आप ये बर्ड्स को यूज़ करवाएं, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो यूज़ कराया है ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन्स के बर्ड्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नमकियात के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कि बर्ड्स के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो उसको ये पूरा करेगा, और विटामिन्स भी मिलेंगे बर्ड्स को, और ताकत भी मिलेगी, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके लिए मैंने यूज़ करवाया ये सेमंस वालों कंपनी का, ये 600 रुपये का पैक है, ठीक है, ये भी मैंने MJ ट्रेडर से लिया है। तो ये इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने यूज़ कैसे कराना है, इसके अंदर आप एक स्पून आपने 2 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। और अगर चीप नुस्खे जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे हम जो ORS यूज़ करवाते हैं, बर्ड्स को मोशन हो रहे होते हैं, बर्ड्स कमज़ोर हो रहा है तो उसकी वीकनेस के लिए, जैसे हम लोगों हमें मोशन हो रहा था बंदों को, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो उससे ताकत मिलती है बर्ड्स को, और बर्ड्स जो है एक्टिव होता है, वो क्या है, हम ORS का पानी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये ORS का साशे जो होता है, एक साशे आप जो है 2 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा कैल्सी थाउजेंड भी आपके लिए मल्टी विटामिन के लिए यूज़ होता है, कैल्शियम्स के लिए यूज़ होता है आपके बर्ड को, ये भी चीप नुस्खा, ये 10 रुपये का एक साशे होता है। तो अगर आप चीप नुस्खा यूज़ करवाना चाहते हैं और आपके बर्ड इतने एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे बजरी वगैरह हो गए, तो उनके लिए ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। और कैल्शियम पी सिरप भी आप यूज़ करवा सकते हो, ये कैल्शियम पी सिरप भी बहुत बेस्ट है, आप दाने पे भी डाल के यूज़ करवा सकते हो, आप पानी में 1 लीटर पानी के अंदर आप जो है इसके अंदर आप 2 ml या 3 ml जब डाल के यूज़ करवा सकते हो, ठीक है, और ये आपने 24 घंटे के बाद पानी चेंज कर लेना होता है। तो कैल्शियम पी सिरप भी आपकी कैल्शियम्स को दूर करता है, बर्ड्स की बोन स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, और मोशंस के लिए जैसे कि मोशन होते थे एंटामिजोल और फ्लैजल, ये एंटामिजोल है, ये एंटामिजोल क्या होती है, ये मोशन के टाइम पर यूज़ करवानी होती है, आपने बर्ड्स को मोशन लग गए, बर्ड सीप में जा रहा है, मोशन में आ गया, तो एंटामिजोल भी अच्छी है और फ्लैजल भी अच्छी है, आप दोनों चीज़ें ये है यूज़ करवा सकते हैं। एक पॉट के अंदर आप 3 से 4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और पैनाडोल किस लिए होता है, बर्ड बुखार में आ रहा है, तो हम पैनाडोल सिर्फ बच्चों वाला ये जो आप यूज़ करवा सकते हैं, ये भी आप 3 से 4 ड्रॉप एक पॉट में डाल के यूज़ करवा सकते हैं। और वेब्रामाइसिन ये होता है, वेब्रामाइसिन कैप्सूल है, वेब्रामाइसिन ये होता है 50-60 रुपये का पता है, ठीक है, ये बहुत इसका रोल क्या है, जब भी आप नए बर्ड लेके आए उसको 3 दिन का कोर्स करवाएं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी बर्ड आप जो होता है, मैं आपने जब भी होता है बर्ड में हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा जो है ये वेब्रामाइसिन का कोर्स लाजमी करवा देता हूँ, उससे क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो उसके अंदर रिकवर करेगा बर्ड को, और बहुत जल्दी बर्ड जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सिरिंज आपने ये बनानी है, ये बनी बनाई नहीं मिलती भाई, ये 50 रुपये की मिलती है सिर्फ सिरिंज बड़ी, और ये इसके ऊपर जो पाइप लगा हुआ है ये ड्रिप का पाइप होता है, ये 25 रुपये का सेट होता है, उसके ऊपर ये येलो कलर की ड्रिप का पाइप लगा होता है ये वाला, तो वो उसको आप उतार के इसके ऊपर लगा दें, और ये हैंड फीडिंग के लिए, और बर्ड्स बीमार हो जाते हैं उनको मेडिसिन आपने डालनी है तो उसके लिए आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें छोटी सी थोड़ी सी जो मेरे पास अभी अवेलेबल थी मैंने आप लोगों से शेयर करी, जो मैं अपने शर्ट में बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ और आगे भी यूज़ करवाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब इस तरह जैसे जैसे सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करवाऊँगा, सॉफ्ट फूड कैसे कैसे करना है बर्ड्स को, क्या चीज़ें यूज़ करवानी है, कैसे डाइट प्लान पर लाना है बर्ड्स को, अच्छा बर्ड्स के चिक्स आ जाएँ तो उनको कैसे, मतलब कि उनको फॉस्टर कैसे करना है, एग्स फॉस्टर कैसे करने हैं, तो जितना भी ब्रीडिंग की जो टिप्स हैं आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, ठीक है, मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरी वीडियो देख सकें और उससे आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।